9 न्यूज़ आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट को घेरने में सिर्फ बीजेपी ही नहीं जुटी है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक सियासी चक्र भी रच रहे हैं। बीजेपी ने एक तरफ पायलट के खिलाफ अपना जिला प्रभारी गुर्जर नेता रमेश बिरूंगी को बना रखा है, तो दूसरे गुर्जर नेता विजय पैसाला को बगल की ही सीट उलियारा से टिकट देकर उतार दिया है। वहीं अब दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने टोंक सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट शुएब खान को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर रखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ओवैसी और चंद्रशेखर के मुस्लिम और बीजेपी के गुर्जर दांव को पायलट कैसे ले पाएंगे। सचिन पायलट 2018 में टोंक विधानसभा सीट से भारी मतों से जीतकर विधायक चुने गए थे और एक बार फिर से इसी सीट से उनके उतरने की संभावना है। पायलट के चलते ये सीट राजस्थान की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती है। इस सीट पर बीजेपी अपना कब्जा जमाने के लिए हर संभव कोशिश में है। 2018 के चुनावों में बीजेपी ने पायलट के खिलाफ भारी भरकम मुस्लिम प्रत्याशी दांव चला था। वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहे यूनुस खान को इसी सीट से बीजेपी ने उतारा था, लेकिन सत्ता विरोधी लहर के चलते जीत में तब्दील नहीं कर सके। इस बार बीजेपी पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरी है और पायलट को उनके घर में ही घेरने की रणनीति बनाई है। बीजेपी ने टोंक सीट पर अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, लेकिन जिस तरह सांसद रमेश बिधूरी को प्रभारी बनाया है उससे साफ है कि गुर्जर गांव चलने की बीजेपी तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने गुर्जर समुदाय से आने वाले विजय भैसाला को देवरी उनियारा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, जो टोंक से लग सकी हुई सीट है। ऐसे में सियासी गलियारों में बीजेपी के इस कदम को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समीकरणों को प्रभावित करना माना जा रहा है। सचिन पायलट के बाद राजस्थान के गुर्जरों की दूसरे सबसे बड़े नेता विजय भैसाला को माना जाता है, जिन्हें मौका देकर बीजेपी टोंक विधानसभा सीटों के समीकरणों से जोड़कर देख रही है। इसके पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति ये है कि भैसाला के जरिए सिर्फ देवरी उनियारा विधानसभा सीट नहीं बल्कि टोंक जिले की सभी चारों विधानसभा सीटों पर कमर खिलाने की स्ट्रेटजी है। इस तरह बीजेपी और भैसाला के जरिए गुर्जर वोटों को साधने की फिराक में है। पार्टी के दोनों ही नेता गुर्जर समुदाय से आते हैं। इस तरह एक तरफ गुर्जर वोटरों को सियासी संदेश दे रही है, तो दूसरी तरफ पायलट के किले में सेंध लगाने की पूरी कोशिश है। बता दें कि टोंक जिले की सियासत गुर्जर मतदाताओं के इर्द गिर्द सिमट हुई है। बता दें कि टोंक जिले की सियासत गुर्जर मतदाताओं के इर्द गिर्द घूमती है। टोंक जिले में गुर्जर समुदाय के बाद मीना और मुस्लिम मतदाता आते हैं। बीजेपी ने जिस तरह से पायलट के खिलाफ गुर्जर विषाद बिछाने का काम किया है, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम गांव चल दिए हैं। दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने टोंक सीट पर शोएब खान को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी भी टोंक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी राजस्थान के AIMIM के महासचिव काशिफ जुबैरी को टोंक से चुनाव लड़वा सकते हैं। अभी के इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए।